डायरेक्शन मतलब देखा जाए तो सारे एक्टर्स हैं सब सबको बहुत कुछ आज ज्ञान आपने दे के आया अपने सब कुछ शेयर किया। बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मैं अभी वही बात कर रहा था कि ये इतना कैंडिड कॉन्वर्जेशन था राजीव मसंद सर के साथ एंड विद द होल ऑडियंस और सब एस्पायरिंग एक्टर्स थे जिनको यहाँ पे इंडस्ट्री का पार्ट होना है, अच्छा काम करना है एंड दे आर पैशनेट अबाउट एक्टिंग and I could relate with them and they could relate with me. So you know, we were talking about being outside the industry and coming here and how them having no connections and how to, you know, मतलब एक how to have a path और कैसे उसमें आगे बढ़ें और कैसे वो सारे interaction में बहुत मज़ा आया। I think अपने खुद के experiences share करने में मज़ा आया। राजीव सर के भी questions थे, सब बहुत फन एंड कैंडिड वे में ये पूरा इंटरेक्शन हुआ दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में। ओके कहते हैं ऐसे बहुत से जन आज जो भी थे बहुत सारे आप पर्सनल आपसे बहुत जन इंस्पायर्ड है आपकी जो जर्नी रही है आप तक की। सो आपकी कैसी जर्नी रही अभी तक की और किससे आप इंस्पायर्ड होते हैं इन रियल लाइफ? मैं शाहरुख सर की जर्नी से बहुत इंस्पायर रहा हूँ हमेशा से एंड आई थिंक मैं ऑफकोर्स जैसे कि ये एक्टर्स एस्पायरिंग एक्टर्स जो आज जिनके साथ सबके साथ इंटरेक्शन किया उसमें मुझे काफ़ी एक अगेन एक इंस्पायरिंग मोमेंट भी था कि आई कुड हैव अ वर्ड विद देम, टॉक टू देम अबाउट माय ओन जर्नी एज वेल। तो वो एक और आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए भी एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है कि और अच्छा करूँ and I really enjoyed interacting with them. I'm really glad. So it's nothing less than a challenge. Look, they are doing this. What do you want to say about it? And Imtiaz sir ke sath bhi, what do you want to say about the experience? I am really happy and I'm really excited and I'm really looking forward to the shoot of Bhool Bhulaiyaa 2. It's something which is again commercial, massy, and I really wanted to do something like that, which I'm doing in Bhool Bhulaiyaa. Imtiaz's film has, it's something which has changed everything for me and it's something which I'm really looking forward to because it has the process has in itself changed a lot of my point of view in life and in life as well as my point of view towards acting, so I'm really looking forward to it. ओके सो पाजी जागरण फिल्म फेस्टिवल से आप अभी जस्ट हमने बहुत ही स्पेशल रिश्ता है आपका बिकॉज मसान भी जो थी तो काफ़ी कुछ यादें हैं। सो एवरी टाइम व्हेन यू कम ऑन जागरण फिल्म फेस्टिवल इट्स लाइक कमिंग होम। हाँ जी नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे जागरण। मैं अभी कह रहा था कि 2015 में जब मसान रिलीज़ हुई थी तो रिलीज़ से पहले जागरण फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी वो एट सिरीफोर्ट इन दिल्ली एंड पहली बार जो हमें एक भारतीय ऑडियंस ने देखा था हमारी फिल्म को हमारे काम को वॉज थ्रू जागरण फिल्म फेस्टिवल। जो पहला अवार्ड मुझे मेरी एक्टिंग के लिए मिला है वॉज जागरण फिल्म फेस्टिवल दैट वेरी ईयर। सो बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए JFF और 10 साल हो चुके हैं, 10 ग्लोरियस साल हो चुके हैं और तब से लेके पिछले साल या पिछले साल भी मुझे हिस्सा बनना था, मुझे बुलाया गया था बट शूटिंग के वजह से वो नहीं हो पा रहा था एंड फाइनली इस ईयर वो हो पाया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। ओके विक्की सर बहुत से ऐसे आज एक्टर्स और इंस्पायरिंग आप जिसको इंस्पायर करते आए हैं सो क्या एक ऐसा मैसेज देने वाले जो उनको इंस्पायर करेगा आगे ले जाने? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि होप ना छोड़ें और मेहनत करते रहें। और मुझे जो एक चीज़ हेल्प की है बीइंग एन एक्टर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था वॉज कि घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो और बेधड़क बेशर्मी से बोलो कि मुझे एक्टिंग करनी है। कई बार हम उसी से शर्मा जाते हैं बट बेधड़की से अपने सपने को फॉलो करो। बाजी अरे ये तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑनर बच्चन साहब को ऑनर करने के लिए वो हमेशा छोटा ही पड़ जाता है। हालांकि मतलब दादा साहब फाल्के के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अबाउट टाइम कि उन्हें ये ऑनर मिले। सो वी वेरी हैप्पी। आई थिंक इस देश के सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, आज के ज़माने के एक्टर्स सबको एक हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहिए उन्हें फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस विद द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डन एंड ही इज़ अ हीरो टू ऑल ऑफ अस। हाँ जी वेरी डिजर्विंग इस साल की आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑफ माइन एंड वेरी गुड स्टोरी, लवली परफॉर्मेंसेज एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दे गेट दैट ट्रॉफी एंड इंडिया की एक टीम वहाँ पे स्टेज पे खड़ी हो। भाजी जस्ट वन थिंग शहीद उधम सिंह जो फिल्म आ रही है इट्स रिलीजिंग 2 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। हाँ जी बट सत्यमेव जयते 2 भी आज ही अनाउंस हुई है, इट विल बी आल्सो रिलीज विद सेकंड सो इट्स लाइक ऑलरेडी एक क्लैश एक आने वाला है। What do you want to say about it? नहीं अच्छी बात है, हमारे ये अच्छी बात है कि इस देश में इतना सिनेमा बनता है, इतने पिक्चरें बनती हैं कि एक दिन पे एक नहीं, एक दिन में 5-5, 6-6 फिल्में आती हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स ऑल्सो, बहुत अच्छी बात है। एंड सी इवेंचुअली तो ऑडियंस हमारी किंग है, हमारी क्वीन है, वो जो सिलेक्ट करना चाहें वो उनकी पसंद है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा सिनेमा आता रहना चाहिए एंड चाहे वो 2 अक्टूबर का अगले साल 2 साल है, मैं 2 पिक्चरें मैं तो कह रहा हूँ और 5-6 आ जाएं और अच्छी फिल्में लोगों को देखने को मिले। हाउस गोस्ट टर्निंग अप भूत, हाँ जी भूत, सॉरी भूत अच्छी आ रही है। अब 21 फरवरी को रिलीज़ हो रही है 2020 में। पिछले मतलब इस साल जो शुरुआत हुई थी मेरी अच्छी हुई थी उरी से, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि अगले साल भी जो शुरुआत होगी फरवरी में भूत के साथ वो अच्छी हो। थैंक यू।